उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें 69,000 पद हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं ताकि आप सावधानी से वो सारी डिटेल को भर पाएँ और स्वयं आप संतुष्ट रहें कि आपने जो डेटा उसमें एंटर किया है वो सही है, क्योंकि पिछली बार देखा यह गया था कि यूपी टेट की परीक्षा का आवेदन करते समय बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा डिटेल साइबर कैफे वालों को उपलब्ध करा दिया था और फीस भी उन्होंने साइबर कैफे को दे दी थी, लेकिन फाइनली जो है बहुत सारे लोग उसमें ऐसे रहे जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ और अंततः वो परीक्षा से वंचित रह गए। तो आप लोगों से कहना ये है कि अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप स्वयं वहां पर उपस्थित रहें। किसी भी भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइबर कैफ़े में, तो आप स्वयं वहां पर उपस्थित रहें तभी आप आवेदन करवाएं, अन्यथा आप अपना आवेदन अपनी मोबाइल फ़ोन से स्वयं कर लें। यह बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल आसान है और आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं फ़ोटो को रिसाइज करने के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही होती है कि फ़ोटो सही अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो फ़ोटो लगाई जाएगी उसकी साइज 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटो को रिसाइज कैसे करके आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं और उसके बाद कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यानी कि फ़ोटो को रिसाइज करने के बारे में भी बात करेंगे और फिर स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक जो वाइट पेपर ले लीजिए और वाइट पेपर पर जो है, मान लीजिए ये रहा आपका वाइट पेपर, ठीक है, तो किसी भी जगह पर आप साफ सुथरे अक्षर में एक सिग्नेचर कर दीजिए और जस्ट उसके ऊपर अपनी एक फ़ोटो रख लीजिए और फिर कैमरे से इसको क्लिक कर लें। कैमरे से क्लिक करने के बाद एक उचित अनुपात में आप इसे पूरा क्रॉप कर लें। इस तरीके से आप अपनी एक फ़ोटो बना लें और उसे आप अपनी गैलरी में सेव कर लें। और इसके बाद आपको अपना गूगल का जो ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है रिड्यूस इमेज साइज़, ठीक है, और उसके बाद आपको गो कर देना है। और फिर जब आप इसे गो कर देंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है रिसाइज इमेजेस ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट इमेज नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा और इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन होगी और गैलरी में जाकर आप अपनी फ़ोटो जो आपने क्रॉप करके रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंट लिखा हुआ है, तो इसको आप पिक्सल में बदल देंगे और फिर ये जो लॉक लगा हुआ है जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस लॉक को आप अनलॉक कर देंगे, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। विड्थ को अब आप यहाँ पर सेट करेंगे, यानी कि आपकी फ़ोटो की चौड़ाई क्या होगी, यहाँ पर आप डालेंगे 148 और नीचे जो हाइट होगी हाइट को आप बदल देंगे कितने 237, ठीक है 237। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फाइल फॉर्मेट भी आप अपनी बदल सकते हैं, लेकिन इसको JPG रहने देंगे। बाकी जो कुछ भी है उसे आप चेंज कर सकते हैं और रिसाइज करने के बटन ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए नीचे आपको अपनी वांछित जो रिसाइज फ़ोटो है वो आपको मिल गई। इसका साइज आप देख रहे हैं कि ये मात्र लगभग 11 KB की साइज है और आपको अप्लाई कितने KB करनी है 20 KB तक, यानी कि आपको अपनी सही फ़ोटो यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब ये फ़ोटो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो गई है और ये रही वो फ़ोटो जो कि आपको अपलोड करनी है। तो ये प्रोसेस है फ़ोटो को रिसाइज करने का, ठीक है। देखा आपने कि कितनी आसानी से आपने अपनी फ़ोटो को सही अनुपात और सही KB में आपने बदल लिया। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपका ब्राउज़र है आप उस पर टाइप कर सकते हैं atrexam.upsdc.gov.in, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ATR उसके बाद देख रहे हैं आप atrexam.upsdc.gov.in और ये वेबसाइट आपकी यहाँ पर ओपन हो गई, ठीक है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको जो ऊपर ये तीन डॉट है इस डॉट पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको देखेंगे आप यहाँ पर एक विकल्प दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप साइट, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे, डेस्कटॉप साइट पर आप क्लिक कर लेंगे और ये साइट रीलोड होगी और उसके बाद आप लैंडस्केप मोड में अपने मोबाइल को कर लीजिए। लैंडस्केप मोड आप समझ रहे होंगे, मतलब कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करें ताकि ये फिर से अपलोड हो जाए।
तो यहाँ पर ये पूरी साइट अब ओपन हो चुकी है। स्टेप वन, स्टेप टू, इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें, अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें और हेल्पलाइन यानी कि पूरा पूरी जो वेबसाइट है वो आपकी मोबाइल फ़ोन में ओपन हो चुकी है, जैसे कि ओपन होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि यहाँ पर जो आवेदन पत्र भरने हैं तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति, रजिस्ट्रेशन का प्रारूप, परिचालन हेतु तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश, मार्गदर्शी सिद्धांत, शासनादेश इत्यादि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगी। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित कर लें, क्योंकि यह आगे चलकर आपके बहुत ही अधिक काम आने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अब आपको स्टेप टू पर आना है। ठीक है, और जब आप स्टेप टू पर आते हैं तो आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान रहे कि समस्त प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होंगी और इसके लिए अंतिम तिथि 20 दिसंबर रखी गई है शाम 6 बजे तक। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का ये ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोई भी गलती फॉर्म भरते समय मत कीजिएगा, और अगर कोई गलती तब भी आपसे हो जाती है तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लें अगर आपने फीस जमा नहीं किया है तो। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव मतलब सुधार करने का मात्र एक ही तरीका है इम्प्रूव करने का, और वो तरीका ये है कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से फीस जमा करनी होगी, फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। आप जो अंतिम बार फॉर्म भरेंगे वही फॉर्म मान्य होगा, और इसके अलावा इसके पहले का जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा मैनुअल में दिया गया है। और इसलिए आप जब आप सुधार करेंगे तो इसके लिए आपको मतलब अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ रही है। जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस जो है वो 600 रुपये रखी गई है, और जो अदर मतलब रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ीस थोड़ी सी कम है। अब देखिए यहाँ पर जो तो जिस ज़िले में आप परीक्षा देना चाहते हैं उस ज़िले का नाम यहाँ पर आप जो है चयनित कर लें, जो भी ज़िला आपको पसंद आ रहा है, मतलब कि जिस ज़िले में आपको सुविधा है एग्ज़ाम देने में, आप उस ज़िले का चयन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आकर, चलिए प्रयागराज हो गया है तो मैं प्रयागराज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और प्रयागराज के बाद चलिए कोई भी एक ज़िला में ले लेता हूँ क्योंकि ये मात्र डेमो है। ठीक है, महाराजगंज कर दिया। तो इसके बाद नीचे जो है अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में है बिल्कुल उसी प्रकार से। फिर नीचे माता का नाम जैसा कि है, और पिता का नाम। ठीक है, गृह जनपद का नाम डालेंगे और पुलिस स्टेशन भी डालेंगे और जो है पिन कोड भी डालेंगे, लाइक है जैसे कि आपने अप्लाई किया है तो विलेज जो भी होगा और उसके बाद पोस्ट जो भी होगा और उसके बाद पुलिस स्टेशन जो होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा और उसके बाद जो पिन कोड होगा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है पिन कोड के साथ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको अपना डाल देना है, और उसके बाद विवाहित महिला अभ्यर्थिनी के पति का नाम, अगर देखिए ये ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहें तो डालें और चाहे तो इसे आप छोड़ दें, ये महिलाओं के लिए है, वो अपने पति का नाम चाहे तो डाल सकती हैं चाहे तो छोड़ सकती हैं। उसके बाद नीचे जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी यहाँ पर जन्मतिथि डालनी होगी, जो भी आपकी जन्मतिथि हो उसको आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद नीचे लिंग का चयन करेंगे, मेल या फीमेल उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। वर्ग, वर्ग में आप देख रहे हैं जनरल, एससी, एसटी या ओबीसी, जो भी आपका वर्ग हो। अगर विकलांग हैं तो आप इस ऑप्शन को टच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को टच करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र के आधार पर अपना विकलांगता का कितना प्रतिशत है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। विशेष आरक्षण के अंतर्गत क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं तब भी आप इसे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे विषय वर्ग दिया गया है, तो साइंस या आर्ट जो भी आपका ग्रुप रहा हो स्नातक के स्तर पर वो आप यहाँ पर चयन करेंगे। प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता, इसमें क्या है आप देख रहे हैं कि डीएलएड के लिए, डीएलएड बीटीसी, मतलब जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बीएड हैं और तो उनके लिए यहाँ पर विकल्प 8वां उनको चुनना है। ठीक है, तो उसको आप चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है, प्राइमरी यूपीटीटी या फिर प्राइमरी सीटीईटी। ठीक है, तो जो भी आपने क्वालिफाई किया वो आप डालिए। अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पर कोई विकल्प अभी नहीं है।
इसके बाद नीचे देखिए जो भी विकल्प हैं, जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं उसको आप फिल कर दीजिएगा। बोर्ड और कॉलेज और विश्वविद्यालय का पूरा नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक, ये चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो है अंक प्रमाण पत्र क्रमांक या अंक पत्र क्रमांक उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप NA, ठीक है, NA लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। और इसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट और स्नातक, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं BEd शिक्षा शास्त्र में स्नातक UGC या NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लोग स्पेशल BEd हैं तो उनको भी मान्यता मिल चुकी है, तो वो लोग भी चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थियोरी का जो मैक्सिमम मार्क है वो डालना होगा, प्रैक्टिकल का मैक्सिमम मार्क यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके मार्कशीट में थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क अलग अलग नहीं हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से संपर्क करें और वो आपको बता देंगे। और जो लोग इग्नू के हैं तो वो लोग इग्नू के से संपर्क कर सकते हैं कि उनका जो ग्रेड है उसको परसेंट में या अंक में कैसे बदला जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर आपने UPTET परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे UPTET या फिर जो है CTET, बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप उसे दे सकते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक। तो क्योंकि CTET या फिर UPTET में प्रमाण पत्र और अंक पत्र क्रमांक अगर उपलब्ध नहीं है या अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कि 2018 वालों को भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे, NA, ठीक है, यहाँ पर NA आप लिख लेंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर 150 अंक और कितने आपको प्राप्त हुए हैं, यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक का वर्णन आपको यहाँ पर कर देना है। फोटो पहचान पत्र का प्रकार, इसमें क्या क्या चुनना है आपको वो देख लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। तो इसमें से जो जो कुछ भी हो आपके पास उसका चयन आप कर लेंगे, नीचे उसका नंबर डालेंगे और नंबर डालने के बाद फिर आप अपनी फ़ोटो का सिलेक्शन करेंगे। तो चूज फाइल जब आप क्लिक करेंगे तो गैलरी में आप पहुँच जाइए, गैलरी में पहुँचने के बाद आपको जो रिड्यूस साइड आपकी थी वो आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी, आपको वही फ़ोटो आके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो, हालांकि ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो की जो साइज रिड्यूस, मतलब कि 20 के भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो शुरू में आपने सेव की है रिड्यूस करके उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको टिक कर देना है सही का, ये कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे इस कोड में आपको भर देना है, ओके। फिर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है और जब आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगी, जो कि आपके जो है जो नंबर आपने यहाँ पर डाला था ऊपर मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगी और ये वेरीफाई करेगी कि आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है और वर्किंग में है। और जब आप उस OTP को सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद की जो अगली प्रक्रिया है उसके बारे में आपको पता ही है, अगली प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अपनी फीस जमा करनी है, ठीक है, उसे आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, आवेदन शुल्क जमा करें। तो इस जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, नीचे ये कैप्चा डाल देना है, यानी कि जो ये प्रदर्शित कोड है ये आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको जो है गेटवे, पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा अपनी फ़ीस आप सबमिट कर सकेंगे। फीस जमा करने के तुरंत बाद ही अगर आप चाहें तो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्म कंप्लीट कर जरूर कीजिएगा और फाइनल प्रिंटआउट भी जरूर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं लेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ओके। तो ये फ्रेंड्स ये मेथड था कि किस प्रकार से आप मोबाइल से अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से आप अपना पूरा फॉर्म मोबाइल फ़ोन से ही कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई होंगी, और अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं और इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।